क्योंकि मैग्नेट की जो चाल होती है, मतलब हमारी गाड़ी की टाइमिंग आउट है, टाइमिंग नहीं मिली हुई है, फटाफट से हम इसके अंदर से लेंगे 10 नंबर का, उसके अंदर मूवमेंट होनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कार पीएम के बारे में, गैरेज प्रो ओबीडी स्कैनर। ये जितने भी मैकेनिक लाइन होती है और ऑटोमोबाइल के सेक्टर होता है, इनमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कार पीएम ओबीडी स्कैनर। तो ऑटोमोबाइल में बदलाव हो रहा है, वो सबसे बड़ा बदलाव है BS6 में ओबीडी स्कैनर सिस्टम का बहुत ज्यादा होना जरूरी होता है। मैं अगर अपनी वर्कशॉप की बात करूं तो मैं अपनी वर्कशॉप में ओबीडी स्कैनर के लिए गैरेज प्रो का कार पीएम का यूज करता हूं। कैसे यूज करता हूं, इससे कितना बेनिफिट होता है, ये मैं आपको बताता हूं और उसके बाद हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करते मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही खुलता है और कुछ इस तरीके से इसमें काफी सारी चीजें होती है, काफी सारी लीड होती है इसके अंदर। और ये इसलिए होती है कि जितनी भी बाइक है BS6 की, बजाज की, हीरो की, यामा की, टीवीएस की, जितनी भी हैं, उन सभी में ये आराम से अटैच हो जाता है और आराम से आपको हेल्प करता है कि आपकी बाइक में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, वो कैसे सॉल्व होगी, उसमें कहां पर फॉल्ट है। अगर किसी बाइक की आप इसके अंदर रिपोर्ट बना रहे हो, निकाल रहे हो इसके थ्रू, तो आपका जो रिपोर्ट होती है वो ईमेल आईडी पर भी आएगी। इनका खुद का एक पूरा प्रॉपर एक कॉल सपोर्ट के होने के साथ साथ, और साथ ही इसमें ट्रैक मोड भी है, आप इसको लगा के ट्रैक मोड यूज कर सकते हो अपने फोन के द्वारा, जैसे कि आपको दिख ही रहा है इस वक्त। ट्रैक मोड के अलावा इसके अंदर आप मोटरसाइकिल में जो सर्विस रिमाइंडर होता है को भी रीसेट कर सकते हो, साथ में आने वाले जो अपडेट होते हैं मोटरसाइकिल में वो भी इसके द्वारा पता लगा सकते हो। तो ये बहुत बेस्ट लगता है। अभी फिलहाल इसके ऊपर बहुत भारी छूट चल रही है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके इसे बाय करके अपनी वर्कशॉप में यूज कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर एक बाइक के टैपेट ज्यादा लूज होंगे तो बहुत ही ज्यादा आवाज आएगी, और एक बाइक के टैपेट अगर ज्यादा टाइट होंगे तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत आपकी गाड़ी करेगी। बट टैपेट ज्यादा होने से टाइट आपकी गाड़ी में आवाज नहीं आती है, टैपेट ज्यादा लूज होने से आवाज आती है। बट ज्यादा ही लूज होगा तो आपकी गाड़ी के जो वॉल्व होते हैं, वॉल्व कट जाते हैं भाई, और कट जाएंगे तो कॉमन सी बात है आपकी आवाज़ बढ़ती रहेगी, वॉल्व गाइड खराब हो जाएंगे और गाड़ी ओवरहीट होगी आपकी। अगर वहीं टैपेट ज़्यादा टाइट हो जाएंगे तो टैपेट ज़्यादा टाइट होने से आपकी बाइक का इंजन कंप्रेसर गर्म होने से वीक हो जाएगा, इन द सेंस गाड़ी रोड पर चलते चलते गर्म होते ही बंद हो जाएगी। और जब गाड़ी बंद हुई गर्म होने के बाद, उसके बाद आपकी गाड़ी में या तो मिस्त्री क्या करेगा, देखो यार मिस्त्री को पहली बार तो बाहर ना, एक तो अगर उसमें अच्छी खासी नॉलेज होगी तो वो समझ जाएगा टैपेट टाइट है, अगर उसमें अच्छी खासी नॉलेज नहीं होनी तो पता क्या करेगा, वो प्लग खोलेगा, ऑयल डालेगा, पुछ करके गाड़ी स्टार्ट कर दे देगा और बोलेगा भैया इसका हेड का काम हुआ वाल का। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं छोटी सी लापरवाही से। मेरे पास बाइक आई थी काफ़ी दूर से, इन भाई की बाइक में आगे की ABS काम नहीं कर रही है, पर इस गाड़ी के अंदर एक और समस्या है, गाड़ी में चिर चिर आवाज़ आ रही है। अब जब मैंने बारीकी से चेक किया तो भाई मैंने सोचा है टैपेट वगैरह लूज होंगे, और इतने ज़्यादा लूज टैपेट यार, मतलब इसके टैपेट में 0.08 mm, 0.09 mm, 0.010 mm मैक्सिमम रखता हूँ, बट इसके टैपेट भाई साहब 23 mm, 0.23 mm इसके टैपेट रख रखे हैं। एग्जॉस्ट कितना ज़्यादा आवाज़ करेगा, और इसका जो इनलेट वाला, मतलब इनलेट वाला एक दो टैपेट होते हैं, एक तो इनलेट होता है और एक एग्जॉस्ट होता है, जो एग्जॉस्ट होता है वो ज़्यादा लूज होता है, इनलेट जो होता है वो ज़्यादा टाइट होता है। टाइट मतलब इतना भी टाइट नहीं होगा कि आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी, ठीक है। और एग्जॉस्ट वाला ज़्यादा लूज इसलिए होता है क्योंकि वो वाला गर्म होता है, वहाँ पे साइलेंसर लगा होता है, इनलेट वाले में साइलेंसर नहीं होता है, वहाँ पे कार्बोरेटर वाला फ्लो होता है, इंजेक्टर वाला फ्लो होता है। ये गाड़ी BS6 है, BS4 नहीं है। इस BS6 बाइक में टैपेट की सेटिंग वैसी ही होती है जैसी BS4 में होती है। अगर मैं BS3 की बात की करूं तो BS3 के टैपेट में ऐसी कोई झंझट वाली बात होती ही नहीं है। BS3 तो भाई सदाबहार एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाली गाड़ी थी, जिस पे होती है वो एकदम सेट सुधी सदाबहार एकदम मस्त मक्खन बढ़िया। अभी इसके टैपेट हम फटाफट से सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं टैपेट सेट करने का तरीका हॉर्नेट गाड़ी का। वैसे तो ये बाइक का जो हॉर्नेट का इंजन है यही सेम सेटिंग जो भी हो रही है होंडा यूनिकॉर्न, होंडा हीरो की एक्सट्रीम, और दूसरी बात ये अपना होंडा की हॉर्नेट, और एक और गाड़ी थी होंडा की साइन, इन सभी में टैपेट की सेटिंग सेम डिटो रख सकते हो। टैपेट सेट करने से पहले हमें टाइमिंग का मिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पहले टाइमिंग मिलती है कैसे, हमें ये गोटी लेनी है 19 नंबर की गोटी, एल हैंडल लेना है, यहाँ पर एल एंकी वाला बोल्ट खोलना है 10 नंबर की एल एंकी वाला, और ये 6 नंबर की एल एंकी वाला बोल्ट खोलना है, और यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से मिलाना है कि यहाँ पर हमें टी का निशान दिखाई देना चाहिए। अब वो टी का निशान जब दिखाई दे रहा है तो हमें हल्का सा इसको ऐसे करके हिला के देखना है, जब ये हिल रहा है मैग्नेट तो उस दौरान हमारी बाइक के टैपेट नहीं मूव करने चाहिए, हिलने नहीं चाहिए, क्योंकि मैग्नेट की जो चाल होती है वो क्रैंक के भाग के हिसाब से 2 बार होती है। अगर हमने एक बार मैग्नेट घुमाया और टी का निशान आ गया तो उस दौरान हमारी गाड़ी का जो पिस्टन होता है वो होता है नीचे, बॉटम डेड सेंटर, जिसको बोलते हैं BDC। हमारी बाइक का जो टैपेट सेट करने का मूवमेंट होता है वो होता है TDC का, टॉप डेड सेंटर का। तो हमें मैग्नेट 2 बार घुमाना पड़ेगा, एक बार घुमाने के बाद वो टी पे आएगा, फिर दोबारा घुमाने के बाद टी पे घुमाना है, और उसके बाद हमें चेक करना है ऐसे हिला के कि भाई वो टैपेट लूज तो नहीं है, मतलब हिल तो नहीं रहे, ऐसे मूव तो नहीं कर रहे। अगर वो मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी गाड़ी की टाइमिंग बिल्कुल सही तरीके से मिल चुकी है। ये चीज आपको समझनी है भाई बहुत बारीकी से। तो फटाफट से हमने टाइमिंग इसकी मिला दी है। फिलर गेज हमारे पास ये रहा सामने, फिलर गेज आपको रखना है, बिना फिलर गेज के आपको टैपेट सेट नहीं करना है।
ये कुछ इस तरीके से होता है। तो फटाफट से इसके टैपेट सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं टैपेट सेट करने के बाद इसका साउंड कितना प्यारा पीक लेवल का आ रहा है। जब ये मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारी गाड़ी के टैपेट सेट होने की मूवमेंट है। अगर ये आपको हिलाने पर ये जो दो रॉकर हैं ये हिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी गाड़ी की टाइमिंग आउट है, टाइमिंग नहीं मिली हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। ये हिलने पर आपका ये ऊपर वाला पार्ट नहीं हिलना चाहिए। हमें चाहिए होगा एक 10 नंबर का रिंग पाना और एक फ्लर गेज। तो फटाफट से हम इसके अंदर से लेंगे 10 नंबर का 0.010 mm वाला फ्लर गेज, ठीक है। ये हमने स्केल ले लिया 0.010 mm वाला, दिखाना भाई जरा पब्लिक को हमारी। तो ये हमारा कौन सा है देख लो भाई ध्यान से, 0.010 mm, ठीक है। देख रहा है ये आपको चाहिए, आप 0.010 mm को रख सकते हो इसको। तो अभी फिलहाल हम 0.010 mm कर रहे हैं इनलेट, 0.012 mm कर रहे हैं एग्जॉस्ट और 0.010 mm कर रहे हैं इनलेट, ठीक है भाई। ये चीज़ आप कर सकते हो, वैसे डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अभी हम हिसाब से चल रहे हैं, ये टैपेट इस तरीके से कर रहे हैं। फ्लर गेज हमारा जब इसके अंदर जाए ना अच्छे तरीके से, तो ये फ्लर गेज उसके अंदर मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके। अगर ये वो हो रही है तो इसका मतलब हमारी गाड़ी का फ्लर गेज एकदम परफेक्टली बैठ रहा है। अगर वो ज़्यादा ही लूज़ हो रहा है तो इसका मतलब वो सही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमारे टैपेट सेट होते हैं। देखो हम इसको लूज करेंगे, अब हम इसको टाइट कर रहे हैं। तो अब इसको हम टाइट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये फ्लर गेज एकदम परफेक्ट है। हम यहाँ पे टैपेट सेट करें तो हमने सोचा वीडियो बना दे आपके साथ शेयर करें, ठीक है। तो अभी फटाफट से इससे टैपेट हो गए हैं सेट। ये फर्स्ट क्लास हमारा इसमें गैप आ रहा है, देखो इस तरीके से। अगर ये बहुत ज़्यादा लूज आ रहा है तो उसका मतलब टैपेट हमारा लूज है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई। तो अभी हमारा ये टैपेट हो गया है सेट। तो अभी हम देखते हैं और इसको बोल्ट वोल्ट टाइट करके चेक कर लेते हैं। ये हो गया टाइट, ठीक है। अब यहाँ से निकाल के हम करेंगे इसको 0.012 mm फ्रंट वाला। तो ये हमारा 0.012 mm रहने वाला है अब, ठीक है। तो हम इसमें निकालेंगे 12 mm वाला, 0.012 mm हमने निकाल लिया है ये रहा। अब इसको ये सेम तरीके से करेंगे हम, ठीक है ना। अगर आपको और भी गाड़ियों के टैपेट की सेटिंग जाननी है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना भाई। तो इस तरीके से कुछ हम टैपेट की सेटिंग करेंगे। पहले तो उस बोल्ट को हम लूज़ कर लेंगे नॉर्मल 10 नंबर वाले के। ये हमने 10 नंबर वाले बोल्ट को लूज़ कर लिया, ये बहुत टाइट होता है। आय हाय क्या बात है, हाँ साइड हो जाता है। नया पाना लेके आ जाए भाई। तो ये जो बोल्ट है हमारा ऊपर का जो नट आप देख रहे हो, ये वाला नट ये लूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे टैपेट सेट हो पाएंगे अच्छे से। ये देखो भाई, ये हो जा ये हो गई, लूज़ हो गया, बहुत टाइट था भाई साहब ये, है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो ये फटाफट से हम इसको लूज़ करेंगे, और अभी पहले से बहुत ज़्यादा लूज़ है टैपेट तो उसको हम टाइट करेंगे क्योंकि हमने नट लूज़ कर लिया है। नट लूज़ आप 10 नंबर के पाने से कर सकते हो। और अभी क्या करना है हमें, फ्लर गेज से 0.012 mm वाला गेज हमें अंदर लगाना है और चेक करना है ये कितना लूज़ कितना टाइट आ रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास टाइट आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अब इसके ऊपर वाले नट को टाइट कर देंगे, ठीक है। और इतने हिसाब से टाइट करेंगे कि ये हमारा गेज बाहर आसानी से आ जाए, बाहर, ठीक है, आगे पीछे आ जाए, ठीक है ना, खींचने पर हल्का सा। अब हम क्या करेंगे, 9 नंबर का जो 10 नंबर का हमारा नट है, 10 नंबर वाला, वो हम टाइट कर देंगे। तो ये हमने टाइट कर दिया, अभी हम पाने से टाइट करेंगे और हम ऊपर वाले नट को रोके रखेंगे ताकि हमारा जो टैपेट है वो ज़्यादा टाइट ना हो जाए। हमने एक हाथ से उसको पकड़ रखा है और एक हाथ से नीचे हम बोल्ट को टाइट कर रहे हैं जो नट है हमारा। अब हमारा ये टैपेट एकदम परफेक्टली सेट हो चुका है, हमारी टाइमिंग मिली हुई है एकदम बढ़िया। तो ये टैपेट हो गए हमारे सेट बढ़िया तरीके से। अभी हम दोबारा एक बार रीचेक कर लेते हैं इसको, कहीं ऐसा ना हो कोई कमी वमी बेसी हो रही हो। ये हो गया परफेक्ट एकदम, ये एकदम बढ़िया। आप याद रखना, ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना गर्म गाड़ी में मत करना भाई साहब। गर्म गाड़ी में करोगे तो नट स्लिप हो जाएगा और आपके रॉकर हो जाएंगे ख़राब। तो आपको क्या करना, गर्म गाड़ी में ये चीज़ नहीं करनी है। तो ये फटाफट हमारे टैपेट सेट हो गए हैं। अब हम इसको पैक करते हैं और पैक करके आपको साउंड सुनाते हैं कि भाई क्या स्वाद इसका आने वाला है फटाफट। Few moments later. भाई इसका साउंड हो गया स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट कर दी है, पूरी गाड़ी पैक करके है। और अभी देखो वैसे और काम हो रहा है गाड़ी में। तो अभी हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर रखा है, अभी हमने RPM इसके एकदम स्टेबल है, परफेक्ट एकदम, ठीक है। अब मैं इसको रेस देता हूँ और उसके बाद आवाज़ सुनना इसकी, मैं थोड़ा पास कर लेता हूँ उसको। भाई एकदम परफेक्ट और एकदम नीट एंड क्लीन साउंड आ रहा है इसका, एकदम मज़ा आ गया इसकी आवाज़ को सुन के। बाकी अगर आपके पास एक हॉर्नेट बाइक है और आप उसकी आवाज़ से परेशान हो तो आप मेरी वर्कशॉप पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप मेरी वर्कशॉप पे आ सकते हो और उसकी आवाज़ को एकदम मलाई मक्खन करा सकते हो। पर आपकी गाड़ी की केयरिंग आपकी होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। अगर ज़्यादा डम कंडीशन होगी तो आवाज़ तो ठीक हो जाएगी और उसमें थोड़े से खर्चा आ जाता है। अभी इन गाड़ी में तो कोई खर्चा ही नहीं होता फालतू का, बस इंजन के अंदर आवाज़ टैपेट की होती है। टैपेट सेट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, पर टैपेट सही तरीके से सेट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।